हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, आईआईपी राइजेस एट 14 मंथ हाई ऑफ 10.3%। आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका आईआईपी होता है। तो अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14 मंथ के हाई पोजीशन पर है 10.3% के राइज के साथ। तो देखते हैं क्या है। इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट सर्ज एट द 14 मंथ हाई पेस विद 10.3% इन ऑगस्ट फ्रॉम अ रिवाइज 6% राइज इन जुलाई। एडेड द फेवरेबल बेस इफेक्ट फ्रॉम द लास्ट ईयर व्हेन द प्रोडक्शन लेवल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड 0.7% एंड द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस सिंस दिस अप्रैल। इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग रोज अ शार्प 15.3% एंड 12.3% रिस्पेक्टिवली। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ग्रो 9.3% इन ऑगस्ट विद जस्ट 7 ऑफ 23 मेजर सेगमेंट्स रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन कंपेयर्ड विथ 9 इन जुलाई प्रोडक्ट। तो ये यहाँ पे ऐसा इसका ट्रेंड रहा है। इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग आपका 15.3% राइज हुआ है और 12.3%। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये है, माइनिंग का ये है। मैन्युफैक्चरिंग 9.3% हुआ है अगस्त में और 7 आउट ऑफ 23 मेजर सेगमेंट्स रिकॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो 23 में से बस 7 जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्रोडक्शन इन एक्सपोर्ट्स डिपेंडेड अपेरल एंड केमिकल सेक्टर ड्रॉप 17.1% एंड 4.3% रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो फेल 8.7%। कंज्यूमर प्रोडक्शन रिफ्लेक्टेड अ मिक्स्ड ट्रेंड ऑल द ड्यूरेबल्स आउटपुट ग्रू फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 3 months एट 5.7% एंड हिट द हाईएस्ट लेवल सिंस सितंबर 2022। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर आइटम्स आउटपुट जंप 9% ईयर बट वॉज 3.9% बिलो जुलाई लेवल्स। मोर एवर बेस इफेक्ट प्लेड अ रोल इन देयर अपटेक। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या, बेस इफेक्ट हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ड्यूरेबल्स आउटपुट है ड्रॉप 4.1% इतना, वाइल नॉन ड्यूरेबल। अब देखिए यहाँ पे एक ड्यूरेबल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ड्यूरेबल्स क्या हो गया, नॉन ड्यूरेबल्स क्या हो गया, एट प्लम 9%। थ्री ऑफ द सिक्स यूज्ड सेगमेंट रिकॉर्डेड द डबल डिजिट सर्च ऑन टॉप ऑफ द पॉजिटिव रिकॉर्ड रिकॉर्डेड लास्ट ईयर। लेट द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ग्रोथ ग्रू सिंस द डबल डिजिट फॉर द फिफ्थ सेशन सक्सेसिव मंथ एट 14.9%। कैपिटल गुड्स जम्प 12.6% विद द प्रोडक्शन रीच द हाइएस्ट लेवल इन 2023-24 इंडिकेटिंग द स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइमरी गुड्स ग्रो 12.4% एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स रोज 6.5%। वी नीड टू सी इफ द बॉयंसी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन स्केल ऑफ इंडिया INC इन देयर सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स, सेड द बैंक ऑफ बड़ौदा चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनावस। द नेक्स्ट 2 months शुड आइडियली सी सस्टेन्ड ग्रोथ इफ रूरल डिमांड्स रिसीव दिस एंड हैज़ बीन लकुना सो फार, ही नोटेड। इन दी कमिंग मंथ्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स विल बी ड्रैग्ड एज अ मेजर वेस्टर्न इकोनॉमीज डी एक्सिलरेट्स, सेड डिप्टी देश पांडे प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट एट क्रिसिल। तो इन्होंने बताया स्पिल ओवर इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है, बाहर जो चीज़ें कंडीशन बन रही है इंडिया के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो डेटा है आप देखिए ये डेली आना है। डेली मने मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे ये डेटा आना है। ये डेटा हमें बाय हार्ट नहीं करना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। तो आई पी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या है इसके बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे सेक्टर्स तो हो गए, एक होता है हमारे लिए बेस इफेक्ट प्लस बेस इफेक्ट, ठीक है, ड्यूरेबल्स वर्सेस नॉन ड्यूरेबल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है एक की ड्यूरेबिलिटी रहेगी एक की नहीं रहेगी, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आप देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया स्पिल ओवर इफेक्ट, तो एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पिल ओवर इफेक्ट। तो इतने के ऊपर हमें एक दो तीन चार पाँच, ये 5 टॉपिक से इसके ऊपर हमें रिसर्च करना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।